केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पी चिदंबरम के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो CAA 3 नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस ले लेगी, उन्हें निरस्त कर देगी। अमित शाह ने कहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति में कांग्रेस अंधी हो गई है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के ये इरादे पूरे नहीं होंगे और CAA रहेगा और 3 कानून लागू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चिदंबरम खुद 3 नए कानून की समिति में थे और उन्होंने सकारात्मक सुझाव भी दिए थे। कांग्रेस न सत्ता पर आनी है न इनको ये फैसले करने हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, CAA भी रहने वाला है, 3 कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला है और हर नागरिक को 3 साल के अंदर न्याय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और हर शरणार्थी को नागरिकता भी मिलेगी, इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह भी देना चाहूंगा कि बहुत बार हार चुके आप चुनाव, एपीसमेंट की पॉलिसी से बाहर आइए और विकास के एजेंडे पर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। अब इससे पहले कांग्रेस के पी चिदंबरम ने दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो नागरिकता कानून यानी CAA 2019 उसको वापस ले लेगी। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम का ये भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 और कानून भी रद्द कर दिए जाएंगे। आप भी सुनिए क्या कहा पी चिदंबरम। रिपील 5 लॉज। 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed.